पुलिस अधीक्षक काष्ट और बागरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसी नरवरिया के द्वारा अवैध शराब के परिवहन हेतु अपराधों पर लगाम कसने के लिए समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए थे। इसी निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने अमोहा बाईपास रोड से एक फोर्स कंपनी के एम्बुलेंस को दो आरोपियों के कब्जे से पकड़ा गया, जिसमें गुप्त केबिन बने हुए थे। आरोपियों से पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि अंतर्राज्यीय स्तर पर एमी यूपी राजस्थान हरियाणा दिल्ली पंजाब बिहार में अवैध शराब की तस्करी करते हैं तथा शराब तस्करी में जो वाहन उपयोग करते हैं वह वाहन स्वयं चोरी व लूट करके लाते हैं। यूं वाहन को एम्बुलेंस में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे एम्बुलेंस बने वाहन में शराब का परिवहन करते वक्त ना तो टोल व पुलिस चेकिंग पर रोका जाता है, क्योंकि एम्बुलेंस बने वाहन पर टोल टैक्स या पुलिस सबकी संवेदनाएं रहती है। एम्बुलेंस में कोई मरीज गंभीर हालत में होगा, इसलिए कोई उक्त वाहन को रोकता नहीं है। बदमाशों ने फरियादी सुरेश सिंह शिकरवार की अर्टिगा कार को एक महीने पहले भाड़े से लेकर गए थे और चालक नरेंद्र शिकरवार को धूमेश्वर मंदिर भीतरवार के पास शराब का सेवन कराया और मारपीट पट्टी कर धक्का देकर अर्टिगा कार लूट कर ले गए और अपने घर फतेहाबाद जिला आगरा उत्तर प्रदेश में अर्टिगा कार को एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया। एम्बुलेंस में 110 पेटी अवैध शराब जिसकी कीमत 15 लाख रुपए जो लूटी गई। अर्टिगा कार कीमती 12 लाख रुपए कुल मशरूका 27 लाख रुपए का बरामद किया गया है। कोतवाली पुलिस को ये काफी दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि अवैध शराब का ले जाकर के परिवहन हो रहा है और अपने इसमें कई लोग आने सक्रिय हैं। इसी सूचना के आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम को जो है इसमें लगाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली तो उन्होंने पूरी टीम को एक्टिव किया और इसमें पूरी घेराबंदी इनकी की, जिस पर एम्बुलेंस गाड़ी को जो है आते ही चेक किया, क्योंकि मुखबिर द्वारा पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी और इसमें जब इसको रुकवाया और इसकी जब तलाशी ली तो इसमें जो है शराब की जो रॉयल जो शराब है उसकी राजस्थान से लेके आना पाया गया। इसमें लगभग 110 पेटी लगभग शराब थी और दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो एम्बुलेंस है जो आप लोगों ने अभी देखा है और किस तरीके से जो केबिन बनाया गया है वो भी जो है हिडन किया हुआ था उसमें। और उल्लेखनीय बात यह है कि इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये राजस्थान के जहाँ से शराब लेके चलते हैं और उत्तर प्रदेश से वाया जहाँ जहाँ इसकी डिमांड रहती है वहाँ सप्लाई करते हैं। चूँकि एम्बुलेंस को इन्होंने इसलिए बनाया है कि जहाँ तक कहीं कोई पुलिस अधिकारी और जहाँ अपने टोल प्लाजा वगैरह पड़ते हैं तो वहाँ पे इसको निर्बाध रूप से जो निकाला जा सकता है, रोकते नहीं है। और पूछताछ में ये भी बात पता चली है कि इसमें इनका एक जो साथी रहता है वो वैसे तो जो है अपनी ओपन चलाते हैं, लेकिन बाद में जब वो चेकिंग वैकिंग होती है तो उसमें पूरा एम्बुलेंस का सिस्टम चालू करके और स्टेशन पर लेट भी जाता है और उस समय ये बताते हैं कि साहब मरीज की हालत बहुत गंभीर है और उसको झांसा देकर के जो भी चेकिंग एजेंसी है उसको निकल।